सात गुरु जय गुरुदेव सात गुरु जय कबहुँगी प्रत्यक्ष है सतगुरु कब होंगे प्रत्यक्ष है सतगुरु अंतर में बतलाओ अंतर में बतलाओ नैन दर्श को प्यासी जदे प्यास बुझाओ जल्दी प्यास बुझाओ बढ़े चरण में प्रीत सदा बढ़े चरण में प्रीत सदा जन्म के कर्म का लेखा जन्म जन्म के कर्म का लेखा अब तो दीजे भारी अब तो दीजे भारी निज धाम गए दाम गए जो कहते हैं उनका हठ छुड़ाओ उनका हठ छुड़ाओ नैन दरस को प्यासी प्यारी प्यारी प्यास बुझाओ जल्दी प्यास बुझाओ कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु कब होंगे प्रत्यक्ष सतगुरु अंतर किसी की निंदा यही दया बरसा
Yeah.
सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब भी प्रार्थना कोई प्रेमी बोलता है तो अंतर में आप उसका अवलोकन करो। दया की भीख अंतर में मांगे या गुरु की महिमा का बखान, जैसे कि अभी संतोष भैया जो कर रहे थे गुरु महिमा, वो गुरु की महिमा का बखान जो कर रहे थे, तो आप आंख बंद करके उसको अंतर में आत्मसात करते तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु महाराज की दया से आपका यह गागर भर रहा है। क्योंकि मैं यही करता हूं, गुरु महाराज ने कहा है प्रार्थना होता है तो आंखें बंद करके किया कर। जब संतोष दिया सुना रहे थे गुरु की महिमा का बखान कर रहे थे तो मैं भी बोल रहा था, लेकिन आंखें बंद करके आप बोलो, आंखें बंद करके यहाँ पर सूरत की दृष्टि को टिका कर, सूरत के निरख आप बराबर एकटक होकर के गुरु के स्वरूपों में सानिध्य में होकर के आप प्रार्थना जब सुनोगे, गुरु की महिमा सुनोगे, तो लगेगा कि आपका यह गागर भर रहा है गुरु की दया से। तो संतोष भैया जब सुना रहे थे तो हमको ऐसा ही महसूस हो रहा था कि यह गागर भर रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का कृतज्ञता प्रकट करता हूं, इसलिए कि आप लोगों को कहीं भूल भरम ना हो, सबसे दिया जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है सत्संग कहीं भी हो आप जाओ, लेकिन कहीं बुराई ना आ जाए। सत्संग सुनाने वाला होना चाहिए, अगर कोई बुराई हो तो उसको पछोड़ कर फेंक दो, पटक दो, अच्छाई को तत्व की चीजों को ग्रहण करो सुख की तरफ, गुरु महाराज ने कहा। अब सवाल इस बात का है कि अब आप में कच्चाई है, अपने को निरख परख कर, अगर निरख परख करने में आप फिर है कच्चाई है तो उसका असर पड़ जाएगा, संग दोष का असर आएगा और बुराइयों का बल चढ़ जाएगा अगर बुरी जगह जाए। इसलिए संग दोष से बचना भी है, लेकिन अगर सत्संग होता है तो गुरु महाराज ने कहा कौन मना करता है। सत्संग का मतलब होता है चेतन, सत माने होता है जागृत, चेतन यानी जगे हुए, और संग का मतलब सोहबत,
जागे हुए महात्माओं का सोहबत या साथ सत्संग कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि आप भाषण देते रहे सत्संग, आप गुरु महाराज अगर बैठे हैं, आप उनके पास बैठे हो, वो कुछ ना बोले, आप बैठे हैं तो उनके रोम रोम से, उनके रोम रोम से जो प्रकाश की किरणें आपके रोम छिद्रों पर शरीर पर पड़ रही हैं, उससे आप में पवित्रता आ, आपका जो कर्मों का आवरण है, गलीजा है, वह छट, तो इसे भी सत्संग कहते हैं। आप मत समझो कि सत्संग का मतलब खाली बोल करके सुनाया जाए, बताया जाए, ये सत्संग गुरु के आदेश से कहीं कोई अगर कुछ बात बताता है, गुरु की महिमा का बखान करता है, या वक्त गुरु का जो कुछ भी संदेश सुनाता है, वह भी सत्संग कहा जाता है। सत्संग के कई रूप होते हैं, जो विनती प्रार्थना आप करते हो अंतर में घस करके, तो ये सूरत की चाल ऊपर होती है, मस्त होती है, सूरत पर चढ़ा हुआ बैल हल्का होता है तो ये ऊपर को उठाता है, तो इसे भी सत्संग कहते हैं। तो सत्संग के कई प्रारूप होते हैं, और जब यह सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसका स्वभाव है ऊपर की तरफ चढ़ना, लेकिन यह मन चित बुद्धि अहंकार इंद्रियों के वशीभूत होकर के यह नीचे की तरफ खींची जाती है। जैसे एक भरे हुए गैस से गुब्बारे को कि एक डोरी से बांध दिया जाता है, तो उसी तरह से अब जैसे गुब्बारा ऊपर को उठना चाहता है, उसका स्वभाव हमेशा ऊपर की तरफ उठने का होगा, लेकिन वह रस्सियों से बंधी होने के कारण वह नीचे की तरफ अटका है। उसी प्रकार से हम आप सबका यह सूरत या जीवात्मा मन इंद्रियों कि ये जड़ चेतन जड़ रस्सी से ये बंधी हुई है, यह नीचे की ओर खींचना चाहती है और सूरत ऊपर जाना चाहती है। जब तक हम मन का सहयोग नहीं लेंगे, इस इंद्रियों के भोगों की तरफ से थोड़ा दूर नहीं होंगे, और किसी की मजाल भी नहीं है कि कोई इससे दूर हो जाए, एक गुरु की दया होती है तभी उपराम होता है आदमी, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि क्षण भर में उनका नाश हो गया। विश्वामित्र जैसे महर्षि 60,000 वर्षों की कमाई क्षण भर में गवा दिए, और मेनका अप्सरा ने उनका क्षण भर में पूरा कर्म सत्यानाश कर दिया, और सब जो है बुराइयों का अंबार भर गया, उनको अंधेरा दिखाई देने लगा, जो प्रकाश दिखता था उजाले में चलते थे, सूरत ऊपर को चढ़ती थी वह नीचे की। तो प्रेमियों, या हम में भी मजाल नहीं है, आप में मजाल नहीं है कि आप बगैर सतगुरु की दया लिए जबरदस्ती आप इससे ऊपर हो जाए। गुरु की दया का बल हमेशा लेते रहना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई बुराई आती है, भाव आता है, पैदा होता है, तो दया गुरु से मांगनी पड़ेगी कि हे मालिक, मेरे अंदर एक भाव पड़ रहा है, इसे आप रोकिए। गुरु को हमेशा सामने खड़ा करो और उनसे आप लड़ो। हमारी लड़ाई बराबर गुरु से होनी चाहिए। जब गुरु से आप लड़ोगे, गुरु से लड़ने का मतलब जो भी बुराइयां हमारे अंदर हैं उठती हैं, खड़ी होती हैं, तो गुरु को खड़ा करो और कहो कि हे मालिक, मैं आपका जीव हूं और मेरे अंदर ये बुराई व्याप रही है, आप इसे दया करके कृपया दूर करिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे जो दिखना चाहिए वह चीज दिखाइए, मुझे अपना सतरूप दिखाइए, मुझे अपना जलवा दिखाइए, मुझे अपना अंतर का जलवा दिखाइए। ये मालिक से प्रार्थना करने की जरूरत होती है।
तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप बिल्कुल बुराइयों की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, सोने की अवस्था में, तो यह सूरत दोनों आंखों के नीचे चली जाती है। और बहुत अधिक बुराइयों में जो लिप्त होता है उसकी सूरत और नीचे हृदय चक्रों पर, नाभि चक्रों पर चली जाती है। और जबकि ये ऊपर से यहाँ पर आकर हंसी हुई मन चित बुद्धि घेरे हुए है, इसको ऊपर ले चलना है, लेकिन जब बुराइयों में लिप्त होंगे तो यह सूरत नीचे चली जाती है। सुसुप्तावस्था में यह नीचे की तरफ आ जाती है और नींद लग जाती है। तो आप कहते हो कि बड़ी गहरी नींद लगती है। जब यह नाभि कमल में चली जाती है तो लगता है कि एकदम नींद लग गया, और सो कर उठने के बाद पता ही नहीं चलता, लगता है कि मैं कितना सो गया था गहरी निद्रा में। तो यह सूरत उतर कर नाभि कमल में चली जाती है और गहरी नींद आ जाती है। और जो साधक होता है सोते समय सतगुरु की प्रार्थना करके, सतगुरु से दया मेहर मांग कर प्रार्थना पहले करें, इसके बाद गुरु महाराज ने जो नामदान आपको दिया है उन पांचों धनियों का रूप ध्यान करके, उनको याद करके, पांच नाम, पांच रूप, स्थान और हरे के अलग अलग जो बाजे होते हैं उनका ध्यान करो, उनके बारे में विचार करो, सोचो, और गुरु से दया मांगते हुए अंतर में कि हे मालिक मुझे जलवा दिखाएं, मालिक बहुत दिन से पुकार कर रहा हूँ, कुछ तो मिले, कुछ तो बताते रहें, फटफट बोलिए मालिक जल्दी। यह सोचते सोचते आप अंतर में सद्गुरु जय गुरुदेव बोलते हुए जब आप सोओगे तो आपको लगेगा कि हम सोए थे कि जागे थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सोए थे, और सोने की इच्छा भी नहीं होगी। आप जब बिल्कुल उठकर खड़े हो जाएंगे, इधर उधर चलने लगेंगे तो भी आपको, और बैठेंगे तो नींद व्यापेगी नहीं, निद्या बैरन हो जाती है। और ये नहीं कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, शरीर में आलस आ रहा है, तगड़ाई नहीं है, आप में जोश होगा, खरोश होगा, उत्साह होगा, शक्ति होगी। और जब ऊपर चलने लगेगी सूरत तो शक्ति तो इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि पेड़ कपार करके फेंकते उखाड़ करके जाते। तो प्रेमी भाई बहनों, आप इस चीज को प्राप्त करने के लिए अगर लगन के साथ नित्य प्रतिदिन गुरु की दया में लगे रहोगे, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते तो गुरु की मौज हो जाए तो चलते फिरते अनुभव दे देते। हमको अनुभव नहीं, हमको चलते फिरते अनुभव हो गया, चलते फिरते गुरु की वाणी उतर आई, साइकिल चला रहा था तो मैं कैसे कहूँ कि गुरु की दया नहीं, ये उनकी मौज हो जाए तो चलते फिरते हो जाता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप इतिहास जानते हो कि जब कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से उसके ससुराल ले जा रहा था पहुंचाने के लिए, बहुत मानता जानता था, लेकिन क्या वह सोया था कि सपना देख रहा था? उसको आकाशवाणी अंतर में आ गई, यह कंस जिस बहन को तू इतनी प्यार से ले जा रहा है इसके आठवें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, उस समय कौन सा लाउडस्पीकर बज गया, कहां से आवाज आ गई? जब दुष्ट के अंदर, कंस जैसे जालिम के अंदर वह दया उतर सकती है तो क्या आपके अंदर नहीं उतर सकते? वो दया थी, उसको संभल जाना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि जब मैं मारा जाऊंगा आठवें पुत्र द्वारा तो मैं बहन को ही क्यों न मारूं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बराबर दया थी, वो तो दया आ रही थी, आवाज आई तो आपको संभल जाना चाहिए कि मैं गलत कराऊं, माफी मांगते कि ऐसा ना हो।
अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा मांग लेते, तो ऐसे आपको भी क्षमा मांगनी चाहिए। जहां गलतियां हो जाए तो सतगुरु से बार बार क्षमा मांगेंगे। तो उसको अंतर में आवाज आ गई तो आपके अंतर में आवाज नहीं उतरे। आप में कमियां हैं, हम में कमियां हैं, इसलिए नहीं उतर रही। गुरु के चरणों में दो बुदासु बहा कर रो तड़पो। जब ये बात आपके जहन में आएगी कि उनको दया हो गया बड़े बड़े पापियों को, अरे अंगुली मां जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या तीर लग गया। अरे जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो जंगल में अकेले चले जा रहे थे। महात्माओं को तो कोई डर भय होता नहीं, जबकि उस रास्ते से कोई जाता नहीं था, सब लोग डरते थे। अंगुली माल का इतना बड़ा आतंक था कि उधर का रास्ता ही लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध उसी रास्ते को चयन किए और चले जा रहे। जब जा रहे थे जाते जाते एक आवाज आई, ठहर जा। तो महात्मा बुद्ध चले ही जाते, फिर आवाज आई, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध रुके और कहे, मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा। आवाजों में कशिश थी, आवाजों में तेज थी। डर गया, लगा कि कंपित हो गया। उसने तलवार उठाई, तलवार उठ नहीं पाया। सोचा कि क्या हो गया, वो बल आपके अंदर है, आप पावरफुल सतगुरु के बच्चे हैं। जब वक्त पर जरूरत पर पुकारेंगे तो काम आएगा, आपके अंदर भी वक्त तेज है। और सरेंडर हो गया अंगुली माल डाकू, जो कि जितने लोगों को रोज आदमी मारता था और उनकी एक अंगुली माला में पिरो करके पहन देता था, जितने लोगों को मारा था याद रखने के लिए कि मैंने इतने आदमियों को मारा। तो ऐसे लोगों का सुधार हो गया, परिवर्तन हो गया महात्माओं की दया से, क्योंकि उसने अपनी भूल स्वीकार किया, ज्ञानता स्वीकार किया, माफी मांग लिया। लेकिन दुष्ट का कभी सुधार नहीं होता। आप कहोगे ये भी दुष्ट, जो अपनी गलतियों को सुबह का भूला, शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, यह तो वापिस आ गया कि मुझ में कमी थी, गलती थी, इसमें पावर है। मैं सोचता था कि मैं ही इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन इनके आगे मेरी तलवार नहीं चलती, मेरी जुबान नहीं चलती, मेरा शरीर थरथर कांप रहा, ये कितना बड़ा तेजस्वी है। और सरेंडर हो गया और माफी मांग लिया तो माफी मिल गई। ये दयाल है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, रावण जैसे जाली को माफी नहीं मिली, क्योंकि वो माफी मांगते नहीं करेगा तो माफी मिलेगी कहां से। उसको कहते हैं जाली, उसको कहते हैं साकी, उसको कहते हैं दुष्ट। और ऐसे दुष्टों से बचाए रखे। गुरु महाराज से कहा जाता है कि दुष्ट संग जन देहु विधाता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि दुष्ट संग जन देहु विधाता। दुष्टों के संग में विभीषण की कुटिया वहीं थी, लेकिन दुष्टों का संग का उन पर असर नहीं थी। और समय आया, बहुत समझाया विभीषण ने कि माफी मांग लो, क्योंकि जानता था कि वो दयालु है। आप तो कहते हो काल है, अरे दुष्टों के लिए काल है, रावण जैसे लोगों के लिए, कंस जैसे लोगों के लिए, दुर्योधन जैसे लोगों के लिए काल है, लेकिन आपके लिए नहीं। आपके लिए क्या है, देन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। ओ दुष्टों को मार करके धर्म की स्थापना किया,
तो आप पर दया हुई, आप जैसे सज्जनों पर दया हुई कि वो आपके लिए काल हो गए गुनाह कर। तो प्रेमियों आप कभी उनको काल मत कर, क्योंकि उनके राज में रह करके आप उनको गाली दोगे तो आप जा नहीं पाओगे, उनको खुश करके चलना है, गुरु महाराज ने यही बताया। लेकिन लोग भूल भरम सत्संगी लोग, अरे हम उनको नहीं मानते, जबकि गुरु महाराज ने पहला नाम का माला बुद्धि का बताया, अरे गुरु के बाद नहीं का। लेकिन जो है कहते हम उनको नहीं मानते, उनको नहीं जानते, हमसे उनसे नहीं मतलब। अरे ठीक है भैया, गुरु को सब कुछ समझो जानो, लेकिन गुरु ने जो बताया है उसको भी तो मानो। गुरु ने कहा है जब तक इनको खुश नहीं कर लोगे तब तक नहीं जा सकते, इनके राज में रह रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, विभीषण ने बड़ा समझाया कि माफी मांग लो, तूने माँ का हरण करके यहां ला दिया, अरे उनसे माफी मांगो और प्रभु से जाकर माफी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई, वो माफ कर दे। यह समझाने पर विभीषण को लात मार करके महलों से निकाला गया और वक्त आया तो हनुमान ने जब लंका जलाया तो पूरी सोने की बनी हुई लंका जल करके राख हो गई, लेकिन विभीषण की पास में ही बगल में कुटिया झोपड़ी उसको आंच तक नहीं आई और विभीषण का पता। तो ऐ प्रेमियों, आप जरा सा भी संसार में कंपित हो जाते हो, संसार के थपेड़े पड़ते हैं तो कंपित हो जाते हो, अरे सतगुरु का बल लेकर के, सतगुरु की दया का बल लेकर के खड़े हो जाओ, आपका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। अगर आपका बाल बांका हो जाएगा सतगुरु की दया में रहते हुए तो उनकी डांगी पर तोहमत लग सकती, लेकिन उसके पहले आपको बनना पड़ेगा, सतगुरु का बनना पड़ेगा। आप दिन रात बस माँ मेरी, बच्ची मेरी, बीबी मेरी, बेटा मेरा, धन मेरा, दौलत मेरा, फौज मेरा, फाटा मेरा, कब करोड़ इकट्ठा हो जाए, कब दौलत इकट्ठा हो जाए, कब अरबपति बन जाए, कब खरबपति बन जाए, किसकी झोली मार ले। अरे जब देने वाला सब कुछ आपके सामने है तो उनकी दया मेहर में रह करके आप कर्म करो, फल की अच्छा मतलब करो। यह गीता का उपदेश, संतों ने क्या कहा है, आपको लूटो, जो लूटना है बताया वो लूटते नहीं, कहते हो काल है। अरे कृष्ण को कहते हो काल, उन्होंने कहा कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप बस चाहते हो कि कर्म धर्म कुछ नहीं, बस फट के फल मिल जाए, खाए नहीं, करना धरना है नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कर के, ये चाहे तो सीधे खींच कर आपको ले जा सकते हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते तो उससे बात हुई है, किसी का राज है उसमें से ले जाएंगे तो उसको कष्ट होगा, तकलीफ होगा, जो जिसको वरदान दे चुके हैं, और आप कांटे में हो, झंझार में हो, दुनिया के झंझावत में हो, दुनिया का कांटा झंझावत क्या है। अरे माँ बहन बेटी दीदी बुलट बंगला यही तो है झंझार, और इसी में पड़े हुए हो इन कांटों पर। अरे यहां भी अगर किसी कांटेदार वृक्ष पर एक कपड़ा डाल दो, कोई रेशमी सूती कपड़ा डाल दो और उसको झटके में काये खींचो तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा। तो ये कपड़ा है आपका, जब फटेगा ना सतगुरु अगर जबरी करके ले जाने लगे फटेगा तो चिल्ला पड़ोगे, रो पड़ोगे, हे गुरु महाराज मैं नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहीं सुख है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे देख लेने दो, पिटिया के
कर लेने दो। तो कैसे ले जाएंगे भैया? जो जाना चाहता है सतगुरु की दया का बल देकर, तो प्रार्थना करो कि सतगुरु मैं अनायानामी के घर चाहता हूँ, मैं तेरा बल चाहता हूँ, उनका बल लेकर। आप में थोड़ा शक्ति है, मेरा स्तर कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, और तेरा तुझको सौ पते क्या लागत है। जिस दिन ये भाव आया, गुरु महाराज ने यही कहा है। आगे कब कहा? 27 जुलाई सन 1980 को गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पर इमरजेंसी का नजीर देते हुए कहा कि इस बार तो तुम चूक गए, इस बार तो तुम चूक गए, अगर चूके ना होते तो परिवर्तन देखने को मिलता। परिवर्तन आपके बलबूते कराना चाहते हैं। परिवर्तन का कई जोर आया, परिवर्तन दूरदर्शी के ध्वजा और दूरदर्शी चारधारियों के द्वारा कराना चाहते हैं। परिवर्तन भूम ज्योतियों के द्वारा कराना चाहते थे कि आप लोग तैयार हो जाओ, और कहे कि आप लोग तैयार हो जाओगे इस तरह से तो बोलो परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं, काम हो जाएगा कि नहीं। तो लोगों ने हाथ उठा करके कहा हो जाएगा। अब ये क्या गुरु की बात नहीं माने, समर्थन दिया नहीं। अगर तैयार होते तो परिवर्तन हो गया, लेकिन गुरु के बंधुओं ने बात नहीं माना। जिस सिलसिले से गुरु महाराज ने कहा था ये काम करना, वो काम नहीं किया। तो ये परिवर्तन की फिर एक घड़ी आई, इसमें अगर चूक गए चाहे चूके मत चूके, इसमें कहे हैं कुछ जो बच्चे हैं मुठ्ठी भर लोग होंगे उनसे परिवर्तन करूंगा, क्योंकि सबको देखा, अरे भूमजोतकों को देखा, दूरदर्शी को देखा, नेताओं को देखा, सबको, और रावण को कोई थोड़े देखते जिससे लड़ाई है। अरे कांग्रेस पार्टी उस समय रही मुसलमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, तो उसे लड़ाई थी, उनको थोड़ा देखा, उनको भी समझाया, जैसे राम ने रावण को समझाया, कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, वैसे हमारे गुरु महाराज ने खूब भली भांति समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। तो प्रेमियों इस बार भी गुरु महाराज ने समझाया, कहा इस बार तो तुम चूक गए, आगे जब फिर मेरा खेल होगा तो चूकना मत। और बताया कि भविष्य में मेरे नाम पर कोई संदेह मत करना, मेरे काम में कोई संदेह मत करना। उदाहरण दिया, कृष्ण ने कहा कि मेरे ज्ञान में कोई संशय मत करना, और संशय किया तो नरक जाना पड़ा। तो गुरु महाराज ने भी यह उदाहरण देते हुए कहा है कि मेरे भी ज्ञान में कोई संशय मत करना, जब आगे मेरा खेल होगा तो उस समय का संकेत बताए हैं। जो महात्मा आए उनको अंतर में आसमानी आवाज आएगी, फिर वो जिस नाम को बताएंगे उस नाम से पार उतरोगे, भविष्य में जय गुरुदेव नाम से पार नहीं उतरोगे। अभी तो 5 नाम है बताया जा रहा है और ये बराबर रहेगा, लेकिन 5 नाम की तो पूजा दुनिया में बराबर होती रहेगी, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम भविष्य में इससे काम नहीं होगा, तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और ये भी कहा कि जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तभी सच्ची स्वतंत्रता का आना पाएगा। तो प्रेमियों जन जन से आपसे क्या मतलब, जन जन की जुबान पर वो नाम तो आएगा,
लेकिन ये रस्सी खींच दिया है। जो कहानी सुना रहे थे गुरु महाराज कि वो अब आएगा तो ये ऐसे रस्सी खींच दी जाएगी और कहा जाएगा इसमें जो अक्लमंद ज्ञानी वो इधर चले आ गया आ गए कहीं और बच्चे खींचे लोग हो तो वो भी चले आ गया कुछ और लोग आ गए और वो बूढ़ा आदमी उठा और उनको ले जा करके अंदर बंद कर दिया। एक पहले से बनवाया था रूप उसी में ले जा करके बंद करके ताला लगा दिया और इधर आया जो बेवकूफों की तरह थे। अरे जिसको लोग बने जिनको लोग था कि हम बड़े बन जाएंगे हम ज्ञानी हैं हम जानते हैं यानी गुरु महाराज हमको कुछ काम देंगे। अरे काम देना होगा तो जानते हैं तो कहा अब तुम लोग चैन से रहो अब कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी वजह से दिक्कत था उनको बंद कर दिया गया उनको जो कुछ मिलेगा लकीर खींच दिया और कहा तुम लोग अब आप आ जाओ। तो गुरु महाराज ने प्रेमियों एक लकीर खींच दिया सतगुरु जय गुरुदेव। आप बोलो कि सतगुरु जय गुरुदेव जब भी आपत्ति होगा विपत्ति होगा परेशानी होगी मुसीबत होगी तो आप जय गुरुदेव नहीं आप बोलो कि सतगुरु जय गुरुदेव तो तुरंत पहचान होगी। जो भी शक्तियां ऊपर से अवतरिथाएं यहां पर आई हुई हैं अरे राम के लोग की कृष्ण के लोग की ऊपर के लोगों की जो शक्तियां आई हुई हैं वो कहेंगे कि अरे ये तो अच्छा आदमी है एक गुरु महाराज का इसको इसको छोड़ो इसको बचाओ यही रखा उसको अलग करेंगे। और जो जय गुरुदेव की तो दुनिया चिल्लाएगी तो वक्त पर उनकी हिफाजत नहीं होगी। न्याय के तख्त पर बैठने के बाद फैसला होता है फिर माफी का सवाल नहीं। बाप को समझ में बात नहीं आती कि कितनी बड़ी ये चीज दे दी गई जब हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि बदल जाए। और जिसको समझ में नहीं आ रहा तो लाख समझाने पर भी नहीं आएगा तो उनका बचाव दुनिया वालों का बचाव हो जाएगा क्योंकि गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज ने कहा प्रचार प्रसार करके सबको सुना दो जन जन में चेतना जगा दो कोई घर बाकी न रह जाए गली गली कूचे कूचे में। बता दो कि कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है यानी कुदरत का कहर बरसने जा रहा है। कुदरत का कहर क्या होता है भूकंप महामारी बीमारी तूफान ओले ये कुदरती कहर। तो कुदरत की मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। बचना और बचाना है शाकाहार अपनाना है। आप सुना रहे थे गली गली तो आप समझ नहीं रहे थे कहा खाली उठे चिड़ा रहे थे उनको बताना था कि आप शाकाहारी हो जाओ नहीं वक्त आ रहा है कि कुदरत का थप्पड़ लगेगा साफ हो जाओगे। लेकिन इनकी छत्र छाया हो में जो है विभीषण की कुटिया की तरह विभीषण की तरह तो उसको आँच तक नहीं आएगी। और नहीं थोड़ा बहुत टकमग वाले हैं तो आँच तो आएगी मगर जलने से बच जाओ। विभीषण की तरह बन जाओगे तो आँच भी नहीं आएगी। लेकिन डगमग थोड़ा रहोगे गुरु के ही सहारे देखोगे तो आँच तो आएगी लेकिन जलने से बच जाओगे। इसलिए डगमग छाड़ दे मन बौरा अब तो जरे बरे पनियावे लिल्हो हाथ सिंधोरा अब तो सिंधोरा ले लेने है। कहते हैं महात्मा की डगमग छाड़ दे मन बौरा ए मन ये डगमगाना छोड़ दे इधर उधर भरमना भूलना दौड़ लगाना चक्कर लगाना छोड़ दे अब तो चक्कर लगाता है। डगमग छाड़ दे मन बौरा अब तो जरे बरे बन आवे सूरत कहती है कि अब तो जरे बरे बन जावे लिन्हो हाथ सिंधोरा जब हाथ में सिंधोरा ले लिया है तो अपने पिया को सिंदूर लगाने के लिए तत्पर हूँ अब हमको डगमगाने की जरूरत नहीं है इसलिए डगमगा मत।
तो आप अभी कब कहते हो कि सुहागिन है या कब तक सिंदूरा उठाओगे सुहागिन बनोगे? अरे हंस हंस कर तन पाया जिन पाया तिन रोय, अहा से खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन हो? सब ही सुहागिन हो जाए, दुहागिन कहें तो कोई तो ये हंसी जी का नहीं। कुछ रो कुछ तड़को, सतगुरु आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कब आओगे? तो ठोकर लगे हजार बार गिरी धनी के द्वार, एक दिन ऐसा आएगा धनी करेगा प्यार। हमको वो चीज कर रहा है और नहीं तो अमेरिका में 4 सेकेंड का बोला तूफान आया साइक्लोन और 20 लाख लोगों को डुबा दिया। हर 4 सेकेंड में 20 लाख, अरे पता नहीं कितने होंगे, समाचार में आया 20 लाख लोग डूब गए, कितने घर बार खत्म हो गए, ब्रिज खत्म। तो प्रेमियों आप इस समय देख रहे हो कहीं लड़ाई कहीं भिड़ाई कहीं महामारी कहीं गुजरती कहर और अन्न की कमी, अन्न के बिना लोग मर रहे हैं, भुखमरी पैदा है पाकिस्तान श्रीलंका ऐसे ऐसे कुछ 15 देश इस समय परेशानी में, और इसके अतिरिक्त पूरा विश्व इस समय लगभग गृह युद्ध की आंच में चल रहा है। आप देख रहे हो भारत में भी गृह युद्ध वाली आंच, धुआं उठ रहा है, धड़कने ही जा रहा है धुआं। पहले अरे कोई चीज जलाते हो, कोई कौड़ा बांटते हो तो उसमें पहले धुआं धुमकता है, आग रखते धुआं धुमक रहा है और धुमकते धुमकते भक्त से जलता है, तो भक्त से जलने वाला है। घबराइए मत, गुरु महाराज ने कहा कि भारत का भी आदमी रोता हुआ निरीह कांपता रोता चीखता नजर आया, और गुरु महाराज ने कहा है कि जब तुम्हारी बेटियों बहुओं की इज्जत खुलेआम दरिंदे लूटेंगे, क्या नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, जब पलायन करके गए लोग, यूक्रेन के लोग इधर उधर भागे तो कि बहनों बेटियों की संग जो है शरण दे रहे थे, आओ यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, और उनके संग नहीं हो रहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत खुलेआम दरिंदे लूटेंगे, सड़कों पर ऐसे फेंक देंगे, तब दौड़ोगे, ऐसे मानोगे नहीं, तब दौड़ोगे कि चलो बाबा जी के पास। तो पहचान लो ए बचाई, आप पहचान लो ए बचाई, तो आपने क्षमता आप बचा लोगे का, कौन बचाएंगे? सतगुरु बचाएंगे, सतगुरु जगदेव बचाएंगे। आप निमित्त मात्र बन करके यश आपको मिल जाएगा, इसलिए गुरु महाराज ने कहा है अपने अपने दरवाजों पर थोड़ा घर बनाना, तो जगह रखना, जगह रखना, क्यों कि वक्त आएगा तो दुनिया भाग कर आपके पास दौड़ेगी और आपके दरवाजे पर, अरे गांव घर के लोग आसपास के लोग जानते हैं कि ये बाबा जय गुरुदेव का आदमी है, ये जो है यही आवाज लगा रहे थे, विपत्ति लगा रहे थे, अभी कोरोना में बहुत से लोग चिल्ला रहे थे बाबा जय गुरुदेव जब कलेर में है, आजकल एकदम सही बात है उसकी। तो क्या समझते हो कि फिर वो समय बेंगा राम देखें हैं, वो बेंगा बाबा ना देखें हैं बुल्गारिया वाले जिसका मीडिया प्रचार कर रही है, मीडिया चिल्लाएगी चीखेगी तो क्या होगा, कहां जाएंगे, होश ठिकाने आ जाएगा। तो कहे कि अपने अपने दरवाजों पर जगह रखना, तो जो शरण में अगर आ जाएगा तो भैया क्या करोगे, कोई बहू बेटी अगर आ गई शरण में तो उसको बचाओगे नहीं आप, आप अभी से अपने को अगर नहीं बना पा रहे हो, खा पा रहे हो, काम क्रोध में लगे हुए हो तो कैसे बचाओ होगा? अभी भी मां बहनों पर अगर आप अभी कुदृष्टि डालते हो तो कैसे बचाओगे? और गुरु महाराज का ये बचाएंगे तो समझ जाओ, होश में यहाँ जो मैदान है ये बड़ेला धाम, यहाँ में आने के बाद
सुर बन सूरा कोई सराहिए लड़े धनी के हे अपूर्जा पूर्जा कट रहे तब न छाड़े छे। हम गुरु के भक्ति में कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन लड़ाई का मैदान छोड़ेंगे नहीं। हमारा जो धर्म है हमारा जो कर्म है हम वो करेंगे। माँ बहनों बेटियों की इज्जत को हम बचाएंगे। अगर वो आपके शरण में आई दौड़ी आई तो उनको बचाना कर्तव्य। और आप भी यही कर रहे हो तो दुनियादारों से और आपसे अंतर है क्या रह जाएगा। तो ऐसे सूरवीरों की जरूरत है क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन कराना। तो मुट्ठी भर लोग भैया हो जाओ तैयार। ये बड़ेरा धाम में मुट्ठी भर लोग आते और बड़ी दया है शंका। अब फिर भी शंका बार बार अरे प्रमाण बहुत कुछ दे दिया गया कि ये सब गुरु के आदेश से बना है। ये मंदिर उनके अंदर आदेश से बना है। झंडा उनके आदेश से बना है। ये गुरु महाराज ने पहले ही बता चुका है प्रमाण दे चुका है। मैं बहुत बात बताऊंगा तो आप लोगों को भी लगता होगा कि क्या सुना रहे हैं। नहीं कहिए बताता हूँ हमको तो पूरा दिन बीत जाएगा रात बीत जाएगा बताता रहूंगा। इतनी दया अगर बरस जाएगी एक बार 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 बताता हूँ लेकिन आप लोगों को शंका होती है। थोड़ा सा एक प्रकरण और देना चाहता हूँ। ये मंदिर जो देख रहे हो इसके विषय में गुरु महाराज ने बताया था। इस मंदिर के विषय में गुरु महाराज ने कब बताया था? सन 79 में 15 फरवरी से 25 फरवरी तक। सन 79 में 15 फरवरी से 25 फरवरी तक कार्यक्रम काशी में कटेसर गंगा की रेती पर जो कार्यक्रम लगा था तीसरा यज्ञ। उस यज्ञ में गुरु महाराज ने बताया एक पक्षी आई थी गुरु महाराज के मंच पर। दिन भर वो पक्षी रही रात भर रही रात भर वो पक्षी रही मंच पर गुरु महाराज के। और गुरु महाराज ने कहा ये पक्षी राज के रूप में भोलेनाथ पधारे और वैसे पक्षी धरती पर कहीं आज तक किसी ने देखा नहीं जो उस समय देखा था। मुंह उल्लू जैसा शरीर कबूतर जैसा। अब क्या कहे ना उल्लू जैसा ना कबूतर जैसा और बहुत बड़ा इतना बड़ा। तो कहा गुरु महाराज ने कि पक्षी राज के रूप में भोलेनाथ आए हुए हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे आज्ञा दो अब मैं कद्दू बट्टा था जो नहीं मानते उनको मजा चखाऊंगा अभी प्रलय का डंका बजाऊंगा आप आज्ञा कर दो। गुरु महाराज ने कहा थोड़ा ठहरो बा भोले महाराज अभी समझा लेने दो फिर तुम करना है अपना काज। सुन सतगुरु की बात सुन सतगुरु की सिमने मानी बात और चले गए उत्तर दिशा जभी हुआ प्रभात। यह सत्संग कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कहते हो सत्संग सत्संग मिल रहा है गुरु की दया से गुरु का हमको क्या है औकात मैं ही बता पाता ये सब। ये गुरु की दया है जो इस बड़ेरा धाम में बड़ेरा धाम की धरती से ये चीज मिल रही है। नहीं सब लोग सुने तो कहा चले गए उत्तर दिशा जब युवा प्रभात सवेरा होते उत्तर दिशा में शंकर जी चले गए। ये नहीं बताया कहां चले गए कहा उत्तर दिशा में चले गए और कहा कि शंकर जी काशी छोड़ करके भोलेनाथ काशी छोड़ करके चले गए तो पंडों को बड़ा नागवार गुजरा था। काशी के पंडों ने उस समय कहा कि बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि शंकर जी काशी छोड़कर चले गए। अरे काशी शंकर जी के त्रिशूल पर बस यह टिकी है और कहते हैं छोड़कर चले गए। उपहास कर रहे थे लेकिन महात्मा देखते हैं और वो बताते हैं जब देखा तो कहा चले गए उत्तर दिशा। तो अरे प्रेमियों काशी से ठीक उत्तर दिशा में पड़ता है अयोध्या बड़ेला। और गुरु महाराज ने कहा था कि चले गए उत्तर दिशा जब भी हुआ प्रभात शंकर जी उत्तर दिशा में चले गए और जहां शंकर जी जाते हैं वहां पर शिव की स्थापना होती है और तभी परिवर्तन का काम आगे
होता है। राम भी इस धरती पर जब आए थे परिवर्तन के लिए तो शिव का स्थापना किया जो रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भी इस धरती पर जब आए तो उन्होंने शिव का स्थापना किया इसी आपके बारापंकी में किंटूर में इसी बारापंकी में किंटूर नामक स्थान पर शिव का स्थापना कराया जो महादेवा के नाम से इस तरह से जाने जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों बिना शिव की स्थापना किए परिवर्तन नहीं होता। तो कहां टहल रहे हो घूम रहे हो इस पूरे अखंड भारत में। उत्तर दिशा की बात छोड़ो गुरु महाराज ने कहा उत्तर दिशा चले गए। मैं पूछता हूं आपसे गुरु के जितने प्रेमी रहे एक सूत्र में पढ़े हुए अपार भीड़ को देख रहे थे क्या किसी ने इस पूरे अखंड भारत में शिव का स्थापना किया। शिव का स्थापना कहीं हुआ किसी के द्वारा कोई प्रेमी यहां तो कहते अरे काल है ये काल है गलिया देते मिल गया शिव का स्थापना कौन करने जाए जब गुरु की बात को ही नहीं समझना। तो गुरु महाराज ने कहा उत्तर दिशा चलेगा और समय शिव की स्थापना हो गई धाम पड़ेला में। और जब शिव की स्थापना हो गई तो उसके नीचे के सारे देवी देवता विराजमान हैं। और जब सतगुरु आए हुए हैं अनामी लोग के मालिक आए हुए हैं तो वो भी उसमें विराजमान तो उनका यह मंदिर है तो उसमें सारे देवी देवता कोई बचा ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन इतना भयानक होगा भयंकर होगा कि जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। राम और कृष्ण का इतिहास भी पीछे हो गया इतना और आपका यह सौभाग्य है। कितने प्रमाण की जरूरत है मैंने कहा ना कि अगर बताने लगूं तो ये दिन रात एक हो जाएगा उनकी दया उतर जाएगी सब कुछ उनकी दया से होता है। तो शिव की स्थापना हो गई परिवर्तन आन कगार पर है। और ये मत समझो कृष्ण का स्थापना हो गई तो यहीं से लड़ाई हो जाएगी। राम ने किया तो हुआ लेकिन कृष्ण ने किया बारापंकी में तो महाभारत यहां नहीं हुआ हो जाता। अब इतनी बार का तो महाभारत दूसरे ठग का हो तो सीमा वाला वो तो लड़ाई बल्कि से जो समय तब राजाओं का राजतंत्र था तमाम व्यवस्था दूसरी थी लेकिन किंटूर में जो स्थापना किया तो लड़ाई वहां नहीं हुई विश्वयुद्ध महाभारत वहां नहीं हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। तो प्रेमियों कृष्ण भगवान ने यही मैदान बनाए थे कराने के लेकिन यहाँ के लोगों ने जब सुना वाणी की कृष्ण का यहाँ लाशों पर लाशें गिरेंगी लाशें उठाने वाले नहीं मिलेंगे खून से लथपथ हो जाएगी धरती तो दहल गए। और जो शिव की स्थापना किया था उस मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे महादेवा ऐसा हम लोगों को देखने को न मिले मालिक ऐसा न हो यहाँ से कहीं और चले जाए कोई दूसरे जगह पर ये लड़ाई में। तो कृष्ण भगवान ने देखा तो क्या किया महाभारत का मैदान बना दिया कुरुक्षेत्र का। तो शिव की स्थापना हो गई कहने का मतलब परिवर्तन जिसमें सज्जू महाराज की स्थापित है सारे देवी देव मैंने तो बता दिया जब कुल बकुल मालिक आए हुए हैं तो उसके नीचे की सारी शक्तियां आई हैं। यही मैं आ रहा था सफर करते तो ट्रेन में लोग कुछ लोग दूसरे के जा रहे थे बातें होने लगी तो मैं कहा भैया कौन बन रहा अरे जो भी भगवान आया इस धराधाम पर आया है इस मानव बोल में आया है राम इस धराधाम पर आए थे किस इस धराधाम पर आए थे और आप नहीं जानते होगा अरे शंकर जी पार्वती जी अगर इस धराधाम पर न आई होती तो राम जी जिस भूमि को प्रणाम कर रहे थे जाते समय अरे शंकर जी प्रणाम किए शंकर जी प्रणाम किए जा रहे जंगल में जहां राम का चरण प्रणाम तो पार्वती जी ने कहा ये धरती की बात है कि आसमान का बात है रामायण में जो लिखा है राम चरित मानस
तो पार्वती ने कहा कि यहाँ कोई है नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहे अरे वो हमारे पिताजी का चरण पड़ा है प्रभु राम का, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आपके पिताजी आपके भगवान? अरे आप तो खुद भगवान हो, आप उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कह नहीं वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो जो बात हो रहा था तो धरती की बात थी ना, धरती पर आए थे प्रेमियों की नहीं आए थे? और न आए होते तो ये पार्वती जी भगवान का परीक्षा लेने के लिए चली और शंकर जी से बहाना करके कि मैं गलती किया जा रही हूँ, मैं भी प्रणाम करने। तो शंकर जी ने सलाह दिया कि देखो कोई गलत काम मत करना, भगवान है प्रणाम कर, लेकिन उनको परीक्षा लेना। वो आई और सोची कि सीता का हरण हुआ है और जंगल जंगल फटक रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी पूछ रहे हैं, पागल हो गया है दिमाग, आदमी है तो मालूम हो जाएगा कि उसने क्या किया, सीता का रूप धारण किया। पार्वती रामचरित मानस में यही है, सीता का रूप धारण किया और चली आई जहाँ भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया था, प्रभु राम का चरण पड़ा था। उस समय तो प्रभु राम वहाँ प्रत्यक्ष में थे भी नहीं, शंकर जी जानते थे कि यहाँ चरण पड़ा है तो पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहे थे। लेकिन पार्वती जी आई और वहाँ पर आ करके इस माँ सीता का रूप धारण करके जो ही करके आती हैं और उनका नाम उठाते हैं, त्यों ही देखती हैं कि प्रभु राम यहाँ सामने हैं और कहते हैं कि अरे माँ तुम अकेली जंगल में, पिताजी कहाँ? अब सोचो कि शंकर जी कह रहे हैं हमारे पिताजी, वास्तव में पिता तो यही है, राम है भैया, अरे निरंजन के सब बेटे हैं ना, रमा विष्णु है, लेकिन कह रहे हैं पिताजी का मनुष्य शरीर में आए हैं तो कोई अपने को बड़ा नहीं बनता, सब छोटा बनते हैं। गुरु महाराज भी तो अपने को बराबर छोटा ही बनते रहे, सेवक कभी बड़ा बनने की कोशिश किया तो हम आप में क्या औकात है कि हम आप बड़ा बने? हम कैसे बड़ा हो सकते हैं जब गुरु बड़ा नहीं, हमारे लिए सदगुरु सर्वोपरि। लेकिन तो उसी प्रकार से कहे अरे माता जी अकेली जंगल में, पिताजी कहाँ? अब पार्वती को काटो तो सुनेरी बाप रे बाप, ये तो पहचान गए जान गए ये तो भगवान है, अब ये माफी भी नहीं मांगना, चली आई सोचा था आपका दर्शन कर लूं प्रणाम कर लूं, ये अभी भी इच्छा थी, अभी भी इच्छा थी, इसका प्रणाम बड़ा भयंकर होता है, माफी मांग लेती तो क्षमा हो गया, लेकिन अभी भी चालाकी बुद्धि की पहलवानी है, बुद्धि की पहलवानी थोड़ा बंद करें आपको। तो फिर गई और शंकर जी को तो सब ध्यान आवश्यक मालूम हो ही गया है, लेकिन ये जाती हैं पूछते हैं कि कहाँ क्या हुआ? कल मैंने भी आपने कहा था तो मैं प्रणाम करके चली गई। अरे वो पति परमेश्वर है, जब कह दिया तो बात मान लेनी चाहिए थी, छोटे मोटे तो थे नहीं। शंकर जी कहे का मतलब साधक थे, समाधि थे, योगी थे, तो उनके बात अगर नहीं मानना तो छल करके आया। तो शंकर जी ने पूछा क्या किया? कहे मैंने प्रणाम करके मैं चलिए, देखते हैं ध्यान अवस्थित। तो कहते अरे तूने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, तूने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, हट जा तन भेंट, यही तन भेंट सती अब नहीं है सती, अब इस तन से तुमसे भेंट नहीं होगा, अगर माफी मांग ली होगी तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माफी मांगी नहीं राम से और इधर दिक्कत हो गया। कहते हैं जा यही तन भेंट सती अब नहीं, हमें चौपाई तो हाँ याद ना, हम तनी तनी जाने ना गुरु महाराज की दया। तो प्रेमियों आप जानते हो कि क्या करना, तो छल कपट को छोड़ो, गुरु की दया में हर में रहो,
हम आप सबसे, हमसे आपको कुछ मिल जाता है, कुछ आपसे हमको मिल जाता है, कुछ हम सीखते हैं, नसीहत लेते हैं, ऐसा मत समझो। आप सोचते हैं कि हमारे में क्या, हमसे क्या लेना है। बहुत बुराइयां जिनमें भरी हो उनमें भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है, उसको लेकर के भी हम आपकी कृतज्ञता का आभार प्रकट कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं से मेरा कुछ न कुछ उपकार करते हैं, वो आप नहीं जानते, लेकिन मैं पाप लेता। तो प्रेमी भाई बहनों, बातें बहुत कुछ हैं, ये है प्रमाण। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जा सकता है, समझ में नहीं आ गया। तो प्रमाण तो बहुत कुछ है, गुरु महाराज ने दिया। तो शिव की स्थापना हो चुकी है, तो हमको लग करके दया मेहर लेना है। अब उनकी मौत चाहे महाभारत वहां से हो, चाहे वहां से हो, वहां से हो, लेकिन महाभारत कहां से होगा तो मैदान बनेगा, पता ही नहीं। और भारत पाक का होगा समर, तब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, और पाक संग सब मुल्क मिलकर भारत पर बम बरसाएगा। यही तो मैंने लिखा है, प्रचार आप कर सकते हो। अब आपको समझ में नहीं आता, उसमें चर्चर लाइन जो है उसको पकड़ करके एक एक घंटा बोल सकते हैं, लेकिन अगर समझ लो बात का, भारत संघ इजराइल केवल वह अच्छा संघ निभाएगा, पर पीछे हटेगी हिंद की सेना तो त्राही मचेगा। गुरु महाराज की बाणियां हैं, तो प्रेमियों अब आपको जब समझ में आ रही है बात, तो आप लोग सुमिरन भजन ध्यान में लग जाओ लगन के साथ, और धाम बड़ेला में लग जाओ, जुड़ जाओ। और एक साफ बात बताई देता हूं, आप अधिकार की बात, हदीस की बात अगर रखोगे तो दशा वहीं हो जाती है जैसे मथुरा में। वो लोग भी गए थे दया मेहर पाने के लिए ना, लेकिन वक्त आया गुरु महाराज के खिलाफ काम करने, अपना अधिकार जमाने लगे। तो क्या दशा हुआ, गुरु महाराज वो स्थान छोड़ दे, तो महात्मा किसी जगह जमीन जायदाद के थोड़े बधे हो गए, महात्मा किसी जगह जमीन जायदाद के बधे नहीं हो गए। इसलिए हम आपको सचेत होकर के रहना है कि गुरु महाराज की दया ले रहे हैं तो दया मिलती रहे, ये तो निश्चित है कि गुरु महाराज आएंगे, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य, हम उनकी दया बेहद में बनकर अपने को छोटा जाए, दीन ही जानो अपने को, निचट निपट नहीं मानो अपने को। जब गुरु महाराज कहते हैं तो हमको बड़प्पन में आने की कोई बात नहीं। आप गुरु की बात को कुछ जानते हो, सब कुछ गुरु का है, तो इसमें बड़प्पन कहाँ से आ गया। आप उनकी बातों को जो जानते हो हमको बता दो, हमारा भूल भरा मिट जाए। हम जो गुरु की बातों को जानते हैं या गुरु की दया अंतर से आती है, हम आपको बता दें, आपका मिट जाए। यही तो गुरु महाराज की दया है, इसी को कहते हैं साथ संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। अब रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुमसे ए, और निस्दिन दर्शन साध का कह कबीर मोहि दे। अब साथ थोड़ा सा उछल कूद करने लगता है, कभी संसार में मौज मस्ती में आता है तो आपको भरम हो जाता है। गुरु की बातों पर लड़ो ना, कौन मना करता है, मैं भी लड़ता हूं, आपसे लड़ता हूं, सबसे लड़ता हूं, भैया से भी लड़ाई लड़ता हूं। जब गुरु की बात आती है, हम जानते हैं कि गुरु महाराज ने कहा, हाँ हमारे दिमाग में यही है, जब लड़ेंगे नहीं तो हमको बात आएगी कैसे, लड़ो। मैंने कहा गुरु को आगे रख कर, आगे रख कर नहीं लड़ोगे तो फेल हो जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया में हाजिर, गुरु की पाणियों को मैं परोस रहा था, आपको स्वादिष्ट लगा तो छक छक करके खा लेना, पी लेना। अगर हमारे शब्दों से भाव तो सब गुरु महाराज के मैं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भैया आपको लगे कि मेरा, मेरे शब्दों से आपके दिलो दिमाग पर अगर कोई चोट पहुँच गई हो
गलत बोलता है तो आपके दिलो दिमाग पर अगर कोई चोट पहुंच गई हो तो उसके लिए मैं आप सबके चरणों में अपना सिर झुका करके आप सबसे माफी मांगता हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका, सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव वाणी है, सतयुग की अगवानी है, सतगुरु जय गुरुदेव जी की माई है, सतयुग की अगवानी है, सतगुरु जय गुरुदेव जी ने टेरा है, जागो अभी सवेरा है, सतगुरु जय गुरुदेव जी ने टेरा है, जागो अभी सवेरा है, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव।